हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाइक रम जे के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर होंडा सीडी वन टन है जो ड्रीम डिलक्स बीस को बोलते हैं, और ये जो है 2021 वाला मॉडल है, और इसका मैं करने वाला हूँ रिव्यू, और ये भी बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा 2021 में 110 सीसी के सेगमेंट में सबसे बेस्ट माइलेज वाली बाइक दोस्तों यही है। आप देख सकते हैं ड्रीम डिलक्स सीडी वन टन, और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छा। यहाँ पर अगर आप सफ़र करना चाहते हैं लॉन्ग राइड तब भी बेस्ट है, और अगर कम चलते हैं सिटी के अंदर जैसे कि मार्केट में या बिजनेस या कहीं अगर नौकरी करते हैं तो आने जाने के लिए भी काफ़ी बेहतर ये कम्यूटर बाइक 110 सीसी में बढ़िया है, जिसमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। अदर बाइकों का अगर मैं देखूं तो 100 सीसी में भी आपको इतना ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा जो कि 110 सीसी ड्रीम डिलक्स में आपको सीडी वन टन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितनी बाइकों की मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, किसी की बुराई करने से मुझे कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। देखिए अगर बुराई हम करेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा उससे, अगर जैसे हम अच्छाई जो बताएंगे तो यहाँ पर तभी आप फायदा है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं जो वीडियो बनाया हूँ कि सुपर स्प्लेंडर के बारे में या स्प्लेंडर पल्स के बारे में, तो मैंने इसलिए सिर्फ इसको कहा है कि इसको मत लेना, कि जैसे अगर 125 सीसी की बाइक अगर आप खरीदते हैं और अगर 88-89 हज़ार रुपया सुपर स्प्लेंडर का पे कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ना आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों ना आपको DRL लाइट फ्रंट पर मिल रहा है, ना ABS आपको मिल रहा है। तो इसलिए मैंने कंपेयर किया है कि अदर बाइकों में 110 सीसी में आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, तो इसलिए मुझे बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो पर बात करते हैं। तो यहाँ पर होंडा सीडी वन टन आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको मिलता है दोस्तों 109.51 सीसी का इंजन, और आगे पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलता है, देख सकते हैं आप ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा, ट्यूबलेस टायर आपको मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर अलॉय व्हील आपको व्हाइट कलर में मिलती है, और एक आई है दोस्तों न्यू मॉडल जिसमें ब्लैक अलॉय व्हील मिलता है, उसका भी रिव्यू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल आपको साकर पीछे मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है फुटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, और लेडीज़ के लिए बैठने के लिए भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर जो है सिस्टम है। पीछे आप देखेंगे टेल लाइट, दोनों इंडिकेटर आपको बल्ब पर ही मिल जाएंगे, 4-स्ट्रोक SI BS6 इंजन आपको मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज दोस्तों इस बाइक में आपको 70+ आपको मिलेगा एवरेज, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि 80+ भी ये बाइक दोस्तों एवरेज देती है, 80+ एवरेज अगर किसी भी तरीके से चलाओगे, लेकिन अगर अच्छे से आप चलाओगे तो आपको 85+ एवरेज दे देगी। 7500 RPM इसका पावर है, और टार्क है 5500, ठीक ठाक है दोस्तों, क्योंकि भगाने में भी मान के चलिए ठीक है। और 4 गियर आपको मिलता है, और इंजन जो है वो पावर अगर बात करें तो पावर काफ़ी बढ़िया, अगर आप भगाना चाहते हो तो 110 सीसी है, कोई दिक्कत नहीं, आप भगा भी सकते हो, और एवरेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा इस बाइक में। और उसके बाद दोस्तों 9.1 लीटर यानी 9 लीटर 100 ग्राम पेट्रोल आपके फुल इस बाइक में आएगा टंकी में, एक बार कराएंगे 700-800 किलोमीटर आराम चल सकते हो। सेल्फ और किक दोनों स्टार्ट आपको मिल जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। और एक फ़ायदा दोस्तों, जैसा कि मैंने स्प्लेंडर से कंपैरिजन आपसे किया था और सुपर स्प्लेंडर के बारे में, देखिए अभी आप फिर बुरा कोई मानेगा लेकिन मानिएगा मत, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो फुटरेस्ट है यानी कि जिस पर चलाने वाला पैर रखता है दोनों पर, तो गियर और ब्रेक वाले पर जो फुटरेस्ट है इसमें फ्लेक्सीबल नहीं है यार, 2021 वाले में बहुत ही अच्छा चेंजेस आपको मिलेगा कि इसमें यानी कि वो मुड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर में, HF में, सुपर में, तीनों में मुड़ने वाला है। तो अगर आपकी बाइक गिरेगी तो जो मुड़ जाएगा फुटरेस्ट, तो बाइक आपकी ज्यादा डैमेज होगी जब सड़क पर गिरेगी या कहीं गिरेगी, ज्यादा आपका खर्चा आएगा बाइक में। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो इंजन किल स्विच आपको मिलता है और सेल्फ स्विच, इसी एक ही स्विच में आप देखिए इंजन को बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, ये आप फीचर आपको किसी में नहीं मिलेगा। पास आपको मिलता है, पास में आप अगर ऊपर की तरफ कर देंगे तो पास डायरेक्ट जलने लगेगा यानी हाई बीम पर, और उसके बाद यहाँ पर हाई लो, यानी तीन ऑप्शन आपको एक ही बटन में मिल जाता है। तो आप बताइए कि ये बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है। तो मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि हीरो वाले अगर देखे वीडियो तो वो चेंज करें। आप लोगों को यार इतनी मिर्ची लग जाती है कि बहुत से लोग कमेंट बुरा बुरा कर देते हैं, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि कंपनी वाले चेंज करें, जो आपके लिए ही चेंज होगा, तो आप ही लोग खरीदते हैं बाइक तो सभी का उसमें फ़ायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि कंपनी वाले देखें, तो अगर उनको कोई कमी लग रही है तो वो सुधार करके फिर से अपडेट कोई दे, जिसे आप लोगों का फायदा हो। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो फीचर्स आपको ज़्यादा मिलने चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों।